राम राम जी। सारन है, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में सभी का स्वागत है। तो जी, घर पे पहुंच चुके हैं मेरी ननंद, यानी कि जो मेरी तीसरी ननंद है वो। और मैं आपको समझा देती हूँ, ये है कविता दीदी, जो मेरी सासू मम्मी थी। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, यानी कि मेरी मौसस होगी, तो ये मौसस की लड़की है, तो मेरी ननंद ही लाग गया भाई। और साथ मारे हैं बालक बच्चे, भांजा भांजी भी पहुँच रहे हैं, और घरमास तो रौनक लाग रही है, क्योंकि घर की लक्ष्मी घर आ रही है, तो भी रौन के लाग जावे, और बालक का साथ में तो और भी घनी लाग जावे, है ना। तो जी, जो कपड़े हैं वो मैंने धो लिए हैं, धोए कोनी है, अभी धोने लग रही हूँ। एक गाने दूंगी, और बस ये चादर चादर है जो ये रह गई है, सिर्फ चादर चादर ही रहती है। और बाकी कपड़े बहुत ही कम थे, हमारा पानी समट गया उड़ा है, तो इसी तरह ना मैंने यही पाना पड़ा। बिरानी कद हमारा पानी की समस्या वह खत्म होगी, जाकर है लागा तने कदे हो जाएगी, मैं तो लगता नहीं। भगवान च मैं पिछड़ा होया गाँव में, जमा ही पिछड़ा होया गाँव, कुछ को नहीं भाई इस गांव में। हाँ, और आज घर पे आ गई है कविता दीदी, मेरी ननंद। सरप्राइज देगी, आप पता नहीं था, वैसे बात तो रखी थी हमारी, लेकिन नो कौन पता था कि आवेंगी, तो सरप्राइज दे दिया दीदी ने आकर। फिर मम्मी ने कहा दे को मैं रोम दिया रहा, मेरे पापा ने ना बेचिए जी, लग रहा है तेरा सही। अभी जाओगी कौन जानती, नाटे है दीदी लेने आई हो मास्टर जी है ना, नाट रही है चक्षु, तो ये बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी। फिर तेरे पापा ने भी आड़े रख लेवांगे, फिर तेरी मम्मी आओगी तेरे पापा ने लेने मम्मी ने भी आड़े रख लिया है, नहीं मुंह कहना पड़ेगा। तेरे पापा ने बिठा का पिक्चर बेड पर, भरा को भी ताला मार देंगे, भरा को भी चक्षु नाट है, मैं कौन जानती है। मखान दे भी तेरे पापा ने कमरा में रोका, फिर तेरी मम्मी ले रहा तेरे पापा ने छुपा रही है, पता नहीं क्यों, क्यों छुपा रहे हो कदे टोक ला दे तन कोई नहीं, मैं बात कर दूं, बात कर देगी और फिर ठीक ले, फिर तो देख लो चाहे दो रात। अय्या मेरी नीचे वाली मम्मी है।
और दीदी अभी चल पड़ी हैं पानी लेन नलका पे, और यो टाइम भी भाई घटता ही जान लग रहा है। टोल बना कर न जाया कर दे सारे लुगाई पता ही है ना। और मैं बस यहाँ पे मामा का एक के दिन ही गई थी पानी लेन, तो बाकी मैं मेरे मामा का है खरक पुनिया, वहाँ पर मैं इतना अमन इतना पानी लै और है जनू भी पा जाता ना को छोटी टोकनी जमा छोटा मटका होया करे ना, वो भी जमानू भज भज कर भर कर लेके आया करते, इतना चा होया करता जान का। और बस मैं अपने कपड़े हैं जो वो धोन लाग रही थी, और दीदी इतने पानी ले थी, इतने मेरे जो कपड़े हैं मैं धो गए थे। यो रख जाए सूख गया, सूख गया रख जाए। और ये नाना चलो मेरी नानी और और ऐसा ऐसा रजबाया देखा आपने कि ते इतना साफ सुथरा कि मैं नहीं पड़िया है, देख लियो पूरे रजबाया में काई तक नहीं लाग रही, बस आ माटी जरूर पा जाओगी लेकिन काई नहीं पाओगी थोड़ी सी भी। मतलब पहली बार मैंने तो इतना बढ़िया रजबाया देखा जिसमें कोई ईट नहीं पड़ी, जिसमें कोई डंगा नहीं पड़ा, बस यो यहाँ पर नलका का पानी जाना बस यहाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रहा है। और अभी पानी वानी है जो वो भर लिया है और अब चलेंगे वापिस घर का नहीं। और भाई पता नहीं मारी भी पानी की समस्या कब खत्म होगी, आज कब है तो है अमित जी कि आज सारी की सारी जो भी मतलब ठीक करवाना है वो करवा देवांगे। और पानी है ना मारा ऊपर चढ़दा को नहीं क्योंकि वो घर बहुत घना ऊंचा है, गाड़ के हिसाब से घना ऊंचा उठा रखा है तो ये ऊपर पानी चढ़ को नहीं रहा, तो जो मोटर है वह गाड़ में ही लगानी पड़ा करेगी तो तभी ही चढ़ सका है, नहीं इस घर में पानी चढ़े भी को नहीं तो इसलिए गाड़ में आज मोटर धरवावेंगे। और टंकी टूट रही है मतलब या नल है जो इसमें लग रहा है वो पाइप सा ढीला, और आज वो भी टाइट करवावेंगे। तो देखो भी उम्मीद तो है आज सब कि मैं ठीक हूँ, कि कल ने फिर टूटी आज भी फिर पानी की मौजे मौज है। तो जी अभी मैंने मेरी भांजी की जो ड्रेस सिली है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मोल आले लत्या नहीं फैल करे है, देखो ये देखो ये जो फ्रॉक है ये मैंने सिला है, इधर आ इधर तो सही लगेगा, इधर तो परफेक्ट दिखेगा। पता नहीं मेरा है फोन में मतलब जमा ब्लैक ब्लैक वीडियो जमा ब्लैक ब्लैक वीडियो दिखे हैं। ये देखो भाई ये जो फ्रॉक है ये मैंने खुद सिला है चक्कू के लिए, और कैसा लगा? अच्छा मस्त है। हाँ। और अभी पजामी पलाजो मैंने कहूँ प्लेन ले आई है मोल का है ना, और ड्रेस के वही पैसे दे देवांगे, और ये मैंने खुद से सील दिया। अच्छा बढ़िया लागे चक्कू, इब काट दे पुराना हो जाएगा पुराना हो जाएगा घाघरा। इसमें बेल्ट वो है ना ज्यादा गाल रखे ना, इसमें बेल्ट जाते इतना वो फूले हो। और सही है पहन ले कपड़े, और या खेत में गई थी या ना आया ये ट्यूबवेल पे कपड़े पहन ले। मैं इतने सब्जी पानी का कर लूँ, और दीदी आ रही है ना घर पे तो ये मशीन में सान ठा दूँ एक बारी। यो नाना बनावा है इतने टमाटर की चटनी, ये नाना जी चटनी कूटते हुए किस चीज की चटनी कूटता है नाना? मेरी। मेरी आपसे की चटनी कूटता है घर में घर ही करता घर क्या था कर घर में टमाटर लिया करता तो छुप छुप नाना जी मैं इसको पानी बनाओगा के। तो फिर जी यो सारा काम जो है वो कर दिया है, घर एकदम साफ कर दिया है। आज मेरी मौसी और आ रही थी जानते है, फिर थोड़ा काम कर करना दो करना फिर ओड़ा चलेंगे। और उरे जो कपड़े धरे थे मैं मारती अलमारी में धर दिए हैं।
फिर यो कमरा भी सही कर दिया है। सारी चीज साफ करती है। तो फिर जी आज इस व्लॉग का करे उरा एंड। लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, और जो चैनल पर नए हो चैनल